गुड मॉर्निंग एवरीवन। छठी कक्षा की बालराम कथा का आज हम आदिकांड पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने दिव्य खीर तक पढ़ा था कि राजा दशरथ ने अपनी रानियों को दिव्य खीर दी जो अग्निदेव ने उन्हें दी थी। आज हम पढ़ेंगे राम जन्म। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को महारानी कौशल्या ने श्री राम, सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। सारा जगत हर्षित हो उठा। राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों को पाकर बहुत खुश थे और सब अपनी तीनों माओं के लाडले थे। कैकेयी का प्रेम राम के साथ कुछ अत्यंत ही था। कैकेयी राम को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। किशोरावस्था में जैसे ही वो सारे पुत्र आए तो मुनि वशिष्ठ ने उनको शिक्षा दीक्षा के लिए कहा। तो राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को मुनि वशिष्ठ के साथ उनको आश्रम में भेज दिया। वहाँ से सारी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अयोध्या वापस लौट आए। वो एक अच्छे निपुण विद्या के साथ आए, अस्त्र शस्त्र की विद्या, और अच्छे योद्धा बन चुके थे। अचानक ही विशिष्ट का एक प्रयोजन था जो विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन, मतलब विश्वामित्र अयोध्या में आए एक विशिष्ट प्रयोजन के साथ। उन्होंने राजा दशरथ से राम को मांगा कि मुझे राम को अपने साथ लेकर जाना है। तो लेकिन राजा दशरथ माने नहीं, लेकिन वशिष्ठ ने कहा कि तुम्हें राम की निपुणता पर विश्वास होना चाहिए कि राम बहुत ही निपुण हैं। जिस प्रयोजन हेतु विश्वामित्र आपके पास आए हैं उसे पूरा करने में उनका सहयोग करो। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चले गए। तो वो अपने सिद्ध आश्रम में उनको लेके गए जो दंडक वन में था। वहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक ताड़का राक्षसी है जो लोगों को बहुत दुखी करती है, ऋषियों को उनकी तपस्या नहीं करने देती। ताड़का वध में हमें ये बताया गया कि ताड़का वन, तो उसका नाम था ताड़का वन। ताड़का वन से पहले वो सुंदर वन था, बहुत ही सुंदर, लेकिन ताड़का के हरकतों ने उसे ताड़का वन बना दिया। ताड़का का एक पुत्र था मारीच, और मारीच का एक मित्र था सुबाहु। मारीच और सुबाहु दोनों जंगल में सभी ऋषियों को बहुत ही परेशान करते थे, उन्हें तपस्या नहीं करने देते थे। ताड़का ने, मारीच और सुबाहु ने पूरे जंगल को तहस नहस कर रखा था। इसी प्रयोजन से विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को ताड़का से युद्ध करने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। ये दिव्य अस्त्र शस्त्र 100 प्रकार के थे। तो ताड़का का वध तो राम लक्ष्मण ने कर दिया। उसके बाद मारीच और सुबाहु को जब ये पता चला कि ताड़का मर चुकी है, तो उन्होंने दंडक वन को बहुत बुरे तरीके से तहस नहस करने की सोची। तो सिद्धाश्रम में जब वो दोनों राम लक्ष्मण रह रहे थे और पूरे आश्रम की निगरानी कर रहे थे, तो उसके बाद मारीच और सुबाहु ने दोनों ने मिलकर दंडक वन को घेर लिया और सारे ऋषियों को मारने लग गए। तभी राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र द्वारा दिए गए अस्त्रों शस्त्रों से मारीच को आकाश में उड़ा दिया और सुबाहु को भस्म कर दिया। राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र बहुत ही खुश हुए। फिर उसके बाद वे मिथिला निगमन के लिए गए। आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको दूंगी, जिसके आंसर आपको देने हैं। जितनी भी वीडियो मैंने वीडियो में आपको बताया, आप वीडियो को बार बार सुनिए और इसके जो मैं आपको प्रश्न दूंगी उसके उत्तर अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए।